ओके सर, मैं दिनेश हरिभरा, मैनेजिंग डायरेक्टर अपोलो पेपर मिल। तो अपोलो पेपर मिल हमारा क्राफ्ट पेपर का कोरोगेशन बोर्ड जो बॉक्स बनते उसके बनाने के लिए 120 जीएसएम से लेकर के 250 जीएसएम तक का हम पेपर बनाते हैं। वो 18 बीएफ से लेकर के 35 बीएफ तक पेपर बनाते हैं। और हम बिलीव करते हैं क्वालिटी, क्वान्टिटी एंड सर्विसेज। जो हमारा ये जियोग्राफिकली हमने मुंद्रा पोर्ट के नियर बाय द ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किया है, बिकॉज ऑफ द आवर इम्पोर्ट पेपर फाइबर होता है, तो वो हमने जियोग्राफिकली वो सिलेक्ट किया है बिकॉज ऑफ द पोर्ट नज़दीक है, तो इसीलिए हमने वो वहाँ पर सिलेक्शन किया है। और हमारा मशीन जो है वो एक्चुअली ऑल इम्पोर्टेड मशीनरी है। पल्प मिल और मशीन पार्ट दोनों इम्पोर्टेड है, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लगा हुआ। और हमारी डेकल विड्थ है वो भी 4.250 की है। कैलेंडर है वो 800 का डाया का सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। प्रेस है वो लेटेस्ट प्रेस लगाया हुआ है टेक्नोलॉजी का। और स्पीड भी जो है मशीन की वो भी 350 एमपीएम की सबसे अच्छी स्पीड है। और हम अभी 250-300 तक भी बना रहे हैं पेपर। ट्रेडिशनली जो क्राफ्ट पेपर है सर, उसके हटके आप क्या क्या ऑफर करते हैं अपने बायर्स के लिए? आपके प्रोडक्ट बास्केट में क्या क्या आया है? अभी एक्चुअली कोरोगेशन बॉक्स हो गया, और हमने अभी R&D करके कोर एंड कॉन बोर्ड भी डेवलप कर लिया है। तो उसके लिए भी जो इक्विपमेंट आने थे वो भी सब इंस्टॉल हो गया है, तो हम वो कोर एंड कॉन बोर्ड भी अभी फ्यूचर में लॉन्च कर रहे हैं। सर, की जो स्मेल की बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से फोर्थ सेक्टर में पेपर यूज नहीं होता क्राफ्ट, उस सिनेरियो में क्या अपोलो पेपर कुछ काम कर रहा है? यस सर, हमारा एक्चुअली उसमें ETP एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लान अभी अच्छा वेल डेवलप लगाया हुआ है, और फिर भी हम उसके ऊपर भी एक्चुअली हम पानी बाहर तो निकाल नहीं सकते, तो हमें पानी का ट्रीटमेंट करके हम कैसे उसको मैनेज करें वो सब करके अभी उसके स्टडी करके हम फूड ग्रिड पेपर भी थोड़े टाइम में लेकर के आए। ये पूछा सर कि जैसे कि क्राफ्ट पेपर इंडस्ट्री में काफ़ी सारी पेपर मिल्स नहीं आ गई, ओवर कैपेसिटी हो गया है, जो नई पेपर मिल हैं, जो पुरानी पेपर मिल हैं वो 50% या 60% पर चल रही हैं, तो ये वाला जो इशू है उसके बीच में काफ़ी पेपर मिल बंद भी हो गई है, मोर भी मिल बंद हो गई है, सही तो उस पर आपका क्या कहना है? मतलब ओवर कैपेसिटी का इशू कब तक रिजोल्व हो सकता है, या जो पेपर मिल कम कैपेसिटी में चल रही हैं जो लॉस उठा रही हैं, तो उसको देखते हुए आपने जो लगाया अपना प्लांट तो वो किस सिनेरियो में लगाया? एक्चुअली जो मैं बात कर रहा हूँ ये मिल में के बैक एंड में मशीनरी टेक्नोलॉजी की बात, तो पावर कंजप्शन कैसे कम होता है, कोयला एनर्जी मेन थिंग पेपर मिल में लगती है, वो एनर्जी कॉस्ट है। तो वो एनर्जी कॉस्ट अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से जा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे कस्टमर को कर रहे हो फेच कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कॉस्ट भी कम आती है और क्वालिटी भी अच्छी बनती है। ये जो स्मॉल मिल है जो पुरानी टेक्नोलॉजी से चल रही है, उसका वायर लेंथ क्या है, उसका जो कॉम्बिनेशन करते हैं मशीनरी का पूरा वो कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से नहीं किया होता है, तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं। बाकी हमारी मिल 250 टन है, समझो 200 टन है, तो फिर भी 200 टन का सब कंटिन्यूस निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी है जो ये सब आगे करके ओवर प्रोडक्शन कैपेसिटी बोल रहे सब ओवर सब, ये मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हिसाब से, तो ये सब एक दिमाग में घुस गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं, अच्छी क्वालिटी हो, क्वांटिटी अच्छी हो, सर्विस अच्छी हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सपोर्ट से ऑर्डर में काफ़ी गिरावट आई है, हाँ सब क्या रीज़न देख रहे हैं, क्या इंडियन कंपनीज कंफर्टेबल नहीं है इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने? नहीं, आपकी बात एकदम सही है, उसमें मैं थोड़ा कहना चाहूँगा एक्सपोर्ट में कि अभी जो ये हम इम्पोर्ट कर रहे हैं लॉन्ग फाइबर, अगर आपको बेचना है तो इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग फाइबर और शॉर्ट फाइबर का गैप जो था वो पहले $30 का था, अभी वो $60-$70 हो गया है, तो लॉन्ग फाइबर का एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया अभी, और कंपेयर टू हमारा लोकल वेस्ट भी जनरेशन का जो रेट है वो हाइक हो गया, तो उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट में थोड़ी गिरावट आई हुई है। लेकिन भी हम भी सोच रहे हैं कि जो ये जनरेशन थोड़ी स्टार्ट होगी, और क्या हो रहा है कि दूसरी जगह पर भी ओन जहाँ पर इम्पोर्ट हो रहा था वहाँ पर भी मिले आ गई हुई है, तो थोड़ा वो गैप है। प्राइस कैसे देख रहे हैं आप पेपर का आने टाइम में, क्या आपको लगता है बढ़ोतरी होगी या फर्दर डाउन जाएगा? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अभी यही रहेगा, कॉम्पीट इतना ज़्यादा बहुत अप भी नहीं जा सकता है, नीचे भी नहीं जाने का कोई गुंजाइश लग रहा है, क्योंकि ये अभी जनरेशन भी इतनी है, सामने यूटिलाइज भी इतना हो रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कोई इतना बहुत ज़्यादा भाग जाएगा। या तो कैसा लग रहा है सर आपको? नहीं, मैं तो पेपर इंडस्ट्री के लिए तो मुझे फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है फ्यूचर, क्योंकि समझो ये प्लास्टिक का सॉल्यूशन क्राफ्ट पेपर ही है, वो कोरोगेशन बॉक्स हो या तो पेपर बैग हो, सब वो प्लास्टिक के बदले में हमारा पेपर ही है, और कंपेयर टू हमारी समझो ना ये पॉपुलेशन भी इतनी सारी बढ़ गई है, तो हमारा ओन कंजप्शन भी इतना हो जाएगा कंपेयर टू एक्सपोर्ट।
तो ऐसे कौन से फील्ड आप देखते हैं जिसमें आप पेपर कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं? ऐसा जनरल क्वेश्चन। यस, जैसे न्यूज़ प्रिंट में जैसे हम देख सकते हैं फूड सेगमेंट में नए चीज डेवलप करके, हाँ, FBI, या फिर पब्लिकेशन सेक्टर में क्राफ्ट प्रिंट करा के, ऐसे कौन से सेगमेंट ऐसे आप देख रहे हैं कि पेपर की डिमांड बढ़ सकती है? ओ, मेरे हिसाब से वो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो मेरे हिसाब से जो पेपर बैग जो आई हुई तो बेस्ट सॉल्यूशन है, जो उसकी डिमांड अभी बढ़ेगी। प्लास्टिक जो निकल जाएगा तो वो पेपर बैग की डिमांड, वो लाइटर जैसे हायर BF कैरी बैग जो आती है, और समझो सीमेंट बैग जो आती है, ऐसी हाई स्ट्रेंथ बैग जो सब रिसाइकल से भी बना सकते हैं, तो वो डिमांड मेरे हिसाब से अभी धीरे धीरे करके सीमेंट में लाइटर GSM और हाई BF पेपर की हाईली डिमांड है। हाँ, सही है। क्या आप प्लान कर रहे हैं आगे आने टाइम में फूड सेक्टर में सीमेंट में प्लान करने? नहीं, अभी हम एक्चुअली ये कैरी बैग पेंट्स का है, मार्जिन अच्छा है। यस, यू आर राइट सर, लेकिन हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। समझो हमने एक और बोर्ड कॉन बोर्ड डेवलप किया, तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये कैरी बैग और ये सीमेंट बैग जो हाई स्ट्रेंथ बैग है, वो बाद देखेंगे। फिर क्या है कि एक वो अलग सेटअप हो सकता है उसका, वो भी सही है, आपकी बात सही है, लेकिन उसका यूनिट भी छोटा हो सकता है, साइज भी छोटी हो, लेकिन हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपेयर टू बहुत ज़्यादा है। फूड ग्रेड का 250 टन का मिल यानी बहुत बड़ा हो गया, तो उसके हिसाब से हम ये एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पेपर बैग कंपेयर टू प्लास्टिक बैग, पेपर बैग की जो डेप्रिसिएशन, मतलब जो ब्रीदिंग है, ज़्यादा ब्रीदिंग है कंपेयर टू प्लास्टिक। यस, तो इसमें प्रोडक्ट को डिकम्पोज होने में जल्दी टाइम लगेगा, पेपर जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। तो आप सोचते हैं कि सिनेरियो क्या टेक्नोलॉजी यूटिलाइज की जाएगी, प्रोडक्ट का डेप्रिसिएशन रुक जाए इनसाइड प्रोडक्ट जो पैक प्रोडक्ट है, क्योंकि प्लास्टिक का कंपेयर नहीं बन सकता। नहीं, वो सही है, लेकिन प्लास्टिक जो बैग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो प्लास्टिक थोड़ा हाई माइक्रोन का होता है, हाई फाइबर होता है, समझो 60 माइक्रोन। हाँ, 60 माइक्रोन, ये तो समझो 60 माइक्रोन तो हो गया सब फेंकने वाला। नहीं, लेकिन हम जा रहे समझो कोई स्टोर में जा रहे हैं, वहाँ पर जो बैग यूज है अभी, वहाँ पर उसका रिप्लेसमेंट हो ही गया समझो, और हो भी रहा है। एक रिसर्च कहती है सर कि प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है, प्लास्टिक कैरी बैग, वो 7 times लेस है कंपेयर टू पेपर प्रोडक्शन, क्योंकि पेपर प्रोडक्शन इज कंज्यूमिंग 7 times मोर रिसोर्सेज। ये इंटरनेशनल बात आपकी सही है। हाँ, अब इस सिनेरियो में जहाँ रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो रही है डे बाई डे, हो सकता है गवर्नमेंट कुछ प्लान कर ले, तो इंडस्ट्री जब तक अपने आप को अप टू डेट रखेगी, रिसोर्सेज को मिनिमाइज नहीं करेगी, इंडस्ट्री का सवाल भी मुश्किल है। सही सही, आप क्या देख रहे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं उसके लिए? आपका बहुत अच्छा। उसमें मेन एनर्जी कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, तो उसमें हम सोच रहे हैं कि सोलर आ जाए हमारा ऑप्शन, और हम इसके आगे इनोवेशन कर रहे हैं, सोलर हम लेकर के आ रहे हैं। तो सोलर हो गया तो हमारा ओवन हो गया, तो रिसोर्सेज का हमने यूज़ नहीं किया, समझे, सोलर एनर्जी कर ली, तो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हमने सोचा हुआ है, हमारा नेक्स्ट प्लानिंग सोलर का है, तो ऐसे ऐसे हम हमारा ओवन सोलर से हम इलेक्ट्रिसिटी हमारी खुद यूज 10 MW का, समझो 10 MW सर, अभी हम वो 10 MW का प्लान लगाएंगे। और हमारे गुजरात में स्पेशल गवर्नमेंट ने जो उसके लिए पॉलिसी अभी जस्ट लॉन्च की है, जस्ट बिफोर द मंथ एगो, एक महीने पहले लॉन्च की पॉलिसी है, वो बहुत अच्छी 100% यूटिलाइज कर पाओगे, वो यूनिट के सामने हम यूनिट दे देंगे, हमें वो मतलब नहीं है। यस, और सरप्लस रहेगा वो फ्री लेके जाएगा, समझो हमारा अभी 4 MW का जनरेशन है तो हम 10 MW भी डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल या प्लांट वाइज रहेगा? नहीं, ये प्लांट वाइज है, प्लांट को ही है बेनिफिट से सर, ये अगर आपको लगा के बेनिफिट करना है तो नहीं है, ये प्लांट को ही बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी गेन करने के लिए। फाइबर को कम से कम कॉस्ट में प्रिफर करें तो आपका सजेशन क्या रहेगा, कम से कम कॉस्ट में प्रिफर करना? नहीं, कॉस्ट तो, लेकिन क्या मेन थिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है, लेकिन उसमें क्या है, देखो उसमें भी देखना जरूरी है, जो फाइबर कलेक्शन करके जो आ रहा है वो शीपर क्या है, क्या बनाता है, उसका कैसा प्लांट है, वो सब देख के हम बाइंग करते हैं कि उसका होए वो पूरा स्टॉक यार्ड कम्प्लीटली शेडेड है कि ओपन एरिया में वो कर रहा है, तो सब बिलीव करते हैं कि करेक्टिव परचेस करने से उससे बेटर सॉल्यूशन कर रहा है ना, इंडिविजुअल परचेस से अच्छा। यस यस, आप मिलकर 10 पेपर में एक साथ इंपोर्ट करें पेपर को। यस यस सर, और कम रेट पे। हाँ, वो सही है। आपके पास कुछ प्लान कर रहे हैं? ऐसा हमने एक बार एक्चुअली वो दोनों सोचा था, एक तो हमने ETP के लिए भी सोचा था कि हम ऐसा 10 प्लान करके हम ETP मिक्स में बड़ा अच्छा बनाए, टेक्नोलॉजी से वहाँ से गैस भी जनरेशन कर ले, इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ी बहुत जनरेशन कर ले, टर्बाइन भी लगाए, और ऐसा हमने सोचा था, लेकिन हम उसके ऊपर रिसर्च चल रहे हैं कि भाई हम ऐसा एक पॉलिसी बनाए कि हम बाइंग, हमारे वापी में भी एक ऐसा हुआ था, एक बार ट्रायल रन हुआ था, लेकिन अभी ये थिंग सही है कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेची जो आप बताओ कि हम 10 मिल जो कि एक जनरेशन या ट्रस्ट बना के कोई बाइंग करें, बेस्ट रेट से बाइंग करें और कॉन्ट्रैक्ट बना ले पूरे साल का, और ऐसे ही हम सोच रहे हैं आगे। थैंक यू सर।